Realme ने हाल ही में अपना बजट 5G स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करा था। हम बात कर रहे हैं Realme 9 5G, जिसकी सीधी टक्कर iQOO Z6 के साथ है और Samsung Galaxy F23 के साथ है। दोनों ही 5G बजट स्मार्टफोन है। हम इस स्मार्टफोन को करेंगे रिव्यू और बताएंगे कैसा स्मार्टफोन, क्या ये अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। आप देखते रहिए जी बिजनेस, मैं हूं भरत उपाध्याय। स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग एंड कलर ऑप्शन के साथ। तो इंडिया में स्मार्टफोन की कीमत 14,999 रुपए से शुरू होती है और स्मार्टफोन दो कलर्स में आ रहा है, व्हाइट एंड ब्लैक। हमारे पास व्हाइट कलर ऑप्शन, आप देख सकते हैं ये डिजाइन कितना सुंदर लग रहा है। अगर हम बजट रेंज की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन काफी लाइट है और फिंगरप्रिंट मार्क्स बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। और अब ओवरऑल डिजाइन एंड लुक की बात करें तो यंग बायर्स को स्मार्टफोन जरूर पसंद आएगा। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो Realme 9 5G में मिलता है आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिला है, तो ये डिसपॉइंटिंग फैक्टर मुझे हालांकि लगा थोड़ा। लेकिन बात करें ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिलता है, बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है। आप देख सकते हैं हमारे रिव्यू में जो इमेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं, वो कितनी कलरफुल आ रही हैं। इवन आप देख सकते हैं हमारा जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो कितना स्मूथ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कलर्स कितने ब्राइट आ रहे हैं। इवन लो लाइट एंड ब्राइट लाइट कंडीशंस में भी आप स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। फ़ोन का हार्डवेयर काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी अच्छा है। अगर हम बजट कैटेगरी की बात करें तो फ़ोन में MediaTek Dimensity 810 चिपसेट यूज़ हुआ है। ये चिपसेट बेसिक टास्क गेमिंग मल्टीटास्किंग के काफ़ी अच्छा है। आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं हमारे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था, चाहे हम बात करें वीडियो स्ट्रीमिंग या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस की, वो कितना स्मूथ रहा। Realme 9 5G एक Android 11 बेस्ड स्मार्टफोन है एंड इट रन्स Realme UI 2.0। सबसे अच्छी बात है स्मार्टफोन 5000 mAh बैटरी के साथ आ रहा है, तो आप इस स्मार्टफोन को बिना किसी दिक्कत के 2 दिन से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे अगर हम नॉर्मल यूसेज की बात करें तो। और एक और अच्छी बात हमें ये लगी, हमें हीटिंग इश्यूज देखने को बिल्कुल नहीं मिले, तो ओवरऑल बैटरी एक्सपीरियंस यहाँ पर काफ़ी स्मूथ रहा और काफ़ी अच्छा रहा। बात करते हैं Realme 9 5G के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, तो वो है इसका कैमरा। ये स्मार्टफोन ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आ रहा है। पीछे की तरफ 48MP का मेन कैमरा दिया गया है, वहीं सेल्फीज के लिए यहाँ पे 16MP का कैमरा यूज हुआ है। बात करें कैमरा परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे रियर और फ्रंट दोनों कैमरेज ने काफी अच्छा परफॉर्म करा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन करें रियर और फ्रंट दोनों का, तो यहाँ पे रियर कैमरेज ने यहाँ पे बाजी मारी है। आप हमारी इमेजेस देख सकते हैं कितनी कलरफुल है, ब्राइट है, और हमारी वीडियोस में देख सकते हैं कि कितनी शार्प और कलरफुल इमेजेस आ रही हैं। तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपीरियंस था कैमरेज के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा, बेहतर रहा। हम बजट कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बात करते हैं वर्डिक की, तो Realme 9 5G में मिलता है आपको न्यू डिज़ाइन, अच्छा कैमरा और बैटरी परफॉर्मेंस। हाँ, प्रोसेसर में हमें लगा कि थोड़ी सी कमी थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम बजट कैटेगरी स्मार्टफोन में बात करें तो एक दमदार स्मार्टफोन है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो और ये नया स्मार्टफोन।